फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पॉलिटी मैनेजमेंट एंड पॉलिटी की जानकारी चैनल और मैं हूं आपका दोस्त अजय ठाकुर। दोस्तों, आज मेरे फार्म पे छिंदवाड़ा से आए हैं हमारे मित्र फैजान अहमद जी, जो कि खुद पॉलिटी फार्मर हैं और अपना खुद का पॉलिटी फार्मिंग करते हैं। इनकी कितने की फार्मिंग है आपकी? 7,000। इनके 7,000 का अपना पोल्ट्री फार्म है और ये दोस्तों मेरे पास में मेरे फार्म का विजिट करने आए, यहाँ पे गलांडर लेने के लिए आए थे तो फार्म में मुर्गा देखने लगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मुर्गा है और ये पिछले महीने की लगातार मैं कंटिन्यू आपको दिखा रहा हूँ। पिछले महीने की 28 तारीख को मेरे पास मुर्गा आया था, आज दोस्तों 30 तारीख है और मुर्गे को 32 दिन का हुआ है और एवरेज वजन इसका लगभग दोस्तों 1800 ग्राम प्लस 1900 ग्राम और 2 किलो को ये टच कर रहा है 32 दिन में मात्र। तो हम फैजान जी से जानेंगे उनके अनुभव, उन्हें हमसे मिलकर कैसा लगा और कैसा मुर्गा अपने दाने से फीट खाकर मुर्गा कैसा ग्रोथ करता है, क्या एफसी आ रहा था। फैजान भाई नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आप कहाँ से आए और किस प्रकार से आपने फील किया फार्म में आके। मैं मध्य प्रदेश से छिंदवाड़ा ज़िले से आया हूँ और मेरा नाम फैजान अहमद है, मेरी खुद की फार्मिंग है और मैं यहाँ सर के पास आया था ग्राइंडर देखने। तो मुझे ग्राइंडर तो पसंद आया, फिर सर ने अपने फार्म में विजिट कराने के लिए लाया मेरे को। मैं फार्म में देखा तो सर ने बताया कि 32 दिन का मुर्गा है, 32 दिन के हिसाब से मुर्गे का साइज बहुत अच्छा है और दाने की क्वालिटी जो ये चला रहे हैं उससे ये पता चलता है कि मुर्गे के पैर पीले दिख रहे हैं। जितना अच्छा दाना खिलाओगे उतना अच्छा कलर आएगा पैर का, पीला पैर दिख रहा है मतलब दाने की क्वालिटी बहुत अच्छी है, इससे समझ आता है कि हाँ दाना अच्छा बन रहा है। और साथियों, इसमें एक चीज़ और है, सभी पोल्ट्री फार्मर और किसान भाइयों से निवेदन है कि पोल्ट्री फार्म में अपना खुद का दाना बनाए, खुद का फीड यूज़ करें। फैजान भाई भी अपना दाना बनाते हैं, मैं भी अपना दाना बनाता हूँ, बट इनका ग्लैंडर पुरानी कंपनी का पुराने मॉडल का है जिसकी क्षमता कम है, एक घंटे में 5 से 6 कुंडल निकालने की। तो अभी ये अपना ग्लैंडर चेंज कर रहे हैं बट दाना ये खुद अपना बनाते हैं। आप देख सकते हैं कि इतना बढ़िया FCR मेरे फार्म पूरा भर चुका है, इतना बढ़िया FCR आता है दोस्तों, 1.6-1.5 का FCR मैं अपने दाने में लेता हूँ। और अभी मेरा मुर्गा 32 दिन में 1800 ग्राम प्लस हो चुका है जो कि एक बहुत बढ़िया वजन होता है। मैं टोटल अपना फीड यूज़ करता हूँ, मेरे को अभी फीड पड़ रहा है दोस्तों 27 और 28 रुपये प्रति किलो, 27 और 28 रुपये प्रति क्विंटल, और यही फीड जबकि मार्केट में अवेलेबल है 34, 35 और 36 रुपये, यानी सीधा 8 रुपये का अंतर है दोस्तों, एक कुंडल पे 800 रुपये का अंतर है। यदि मेरा ये जैसे 5,000 का फ्लोक है और मैं इसमें अगर मान लो 150 कुंडल दाना भी खिलाता हूँ 15 टन भी, तो ये समझिए कि 1,20,000-1,30,000 रुपये की मेरे को दाने पे ही बचत है। यदि आप यही दाना मैं मार्केट से परचेस करता तो ये मुझे 1,20,000-30,000 रुपये कमा के दाने वाले को देना था। तो दोस्तों, इसीलिए हमारी बार बार सबसे अपील है और निवेदन करते हैं कि खुद का दाना बनाए, खुद के फीड से ही मुर्गी पालन करें, बहुत अच्छा FCR आता है, बहुत अच्छा वजन लेता है और बीमारियों से भी मुर्गा दूर रहता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को जानकारी दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।